वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ फिनानशियल अकाउंटिंग तो ये बीकॉम ऑनर्स में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है जिसका पेपर कोड है बी सी एच वन तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे टू थाउजेंड नाइनटीन का तो इस इस पेपर के लिए फिनानशियल अकाउंटिंग का पेपर आपका रिटर्न हुआ था 2019 में इसमें आपको थ्री आवर्स का टाइम मिल जाता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके सेवेंटी रहते हैं इसके लिए नोट दिया गया है आपको क्वेश्चन पेपर में कि आंसर फाइव क्वेश्चन इन ऑल तो आपको कोई पांच क्वेश्चन अटैम्प करने हैं कोई फ़ाइव क्वेश्चन अटैम्प करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंपल्सरी हो जाता है हर किसी के लिए इसके अलावा जो है दिस वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम द ईच यूनिट तो हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं इसमें आपको टेन क्वेश्चन मिल जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है तीन मार्क्स का रहेगा थ्री मार्क्स का है वो क्वेश्चन तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में व्हाट इज अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग का नेचर क्या है ये आपको बताना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो ये जो है दो सिस्टम दे रखे हैं हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इसमें आपको डिफरेंस बताना है इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस तो ब्रांचेस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वो आपको बताने हैं ब्रांचेस के टाइप्स बताने हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है व्हाट इज वेज इन प्रोग्रेस तो वेज इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है हाउ इज़ इट्स शो इन वोज अकाउंट तो कैसे वोइज इन प्रोग्रेस को शो किया जाता है वोइज अकाउंट में ये आपको बताना है इसमें देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक आ डिस्टनेक्शन बिटवीन अनालिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसमें आपको अंतर बताना है अनालिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कोई तीन एग्जाम्पल्स को आपको बताना है इसमें एंड विच में कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सर्टेन सरकमस्टांसिज तो इसको आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ में जोड़ के बताना है कि कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेज हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अक्र करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है ज़ ट्रायल बैलेंस कंक्लूशू प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्रायल बैलेंस जो है प्रूफ होता है एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ द अमाउंट ऑफ क्लेम कंप्यूटेड अंडर द लॉस ऑफ़ स्टॉक पॉलिसी तो कैसे अमाउंट ऑफ़ क्लेम को कंप्यूट किया जाता है अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में ये आपसे पूछा गया है द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन तो डेप्रिशिएशन चार्ज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये आपको बताना है इसके बाद चलते हैं यूनिट्स पर तो इसमें आपको फोर यूनिट्स मिलेंगी हर एक यूनिट में दो क्वेश्चन दिए होंगे कोई एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी अटैम करना है तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है यूनिट फर्स्ट में वॉट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बारे में बताइए तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया देन सेकेंड क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें दो पार्ट्स हैं तो पहला पार्ट होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब है ये बताइए और कब इनकी जरूरत होती है वन दे आर नीडेड तो इसको आपको बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड कब होती है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का मिल जाता है कि हु आर द मेन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स आपको बताने हैं हाउ आर दे इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न तो कैसे वो जो है इंटरेस्ट होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिज़नेस कंसर्न के लिए ये एक्सप्लेन करना है देन यूनिट सेकेंड में बात करेंगे तो यूनिट सेकेंड में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प करना रहेगा तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में आ जाता है फीफो आपको एक्सप्लेन करना है फ़ीफो और लीफो मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसको आपको बताना है तो मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दो मैथड्स होते हैं फीफो और लिफो फीफो का मतलब हो जाता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट एंड लिफो का मतलब हो जाता है लास्ट इन एंड लास्ट लास्ट आउट तो ये फीफो और लिफो में आपको मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन को एक्सप्लेन करना है देन इसी क्वेश्चन में आपका सेकेंड पार्ट आ जाता है कि बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्या बेसिक फीचर्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ये आपको बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं देन यूनिट सेकेंड में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलता है चॉइस के लिए ये नुमेरिकल है आपको दिखाया गया है तो ये नूमेरिकल आपको करना पड़ेगा इस तरह से क्वेश्चन आया था 2019 में देन इसमें एडजस्टमेंट बताया गया है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं तो ये आपके दो क्वेश्चन थे यूनिट सेकेंड से इसके बाद यूनिट थर्ड में भी आपको एक नुमारिकल मिलता है तो नुमारिकल था 2019 के पेपर में यूनिट सेकेंड में सेकेंड पार्ट में नुमरिकल था और यूनिट थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन में ही नुमरिकल था तो ये नुमरिकल है 2019 का इसके बाद यूनिट थर्ड में सेकंड क्वेश्चन भी नुमरिकल दिया गया है ये आपको इसमें डेटा प्रोवाइड किया गया है इसके लिए देन यूनिट फोर्थ पे आते हैं तो यूनिट फोर्थ में क्या दिया गया है इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट में एक पार्ट में आपको थ्योरी बतानी है देन सेकेंड पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है आपको पहले इसमें एक्सप्लेन करना है व्हाट आइटम्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द वोइज अकाउंट तो वोज अकाउंट का आपसे प्रोफामा पूछा गया है इसमें आपको बताना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है देन इसी क्वेश्चन में आपको एक सेकेंड पार्ट मिल जाता है जो कैलकुलेशन का है इसके लिए न्यूमेरिकल दे रखा है आपको और ये डेटा प्रेजेंट किया गया है इसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफ़िट रेशियो तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको चॉइस में मिलता है जिसके लिए आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है ये नूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये आपको पूरा डेटा दिया गया है वी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ 2019 ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पेपर कोड इज 102 ज़ीरो टू के लिए आपको टाइम मिला था थ्री आवर्स का तो ये 2019 का पेपर है इसमें थ्री आवर्स का टाइम था और मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी थे इसके लिए फाइव क्वेश्चन अटैम्प करने थे जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी था इसके अलावा हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प करना होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन में टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से ईच क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ़ मनी टू डबल एट एट फाइव परसेंट सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें आपसे क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा गया है कि क्या टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल एट एट फाइव परसेंट सिम्पल इंटरेस्ट तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन हाउ मैनीयर्स एन अकाउंट विल ट्रिपल इट्सल्फ एट द इलेवन परसेंट कम्पाउंडेड हाफ़ ईयरली तो इसमें भी आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको कैलकुलेशन के लिए ही दिया है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू एट परसेंट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली तो ये क्वार्टरली के लिए आपको एट परसेंट नॉमिनल रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है इफेक्टिव रेट आपको एट सिक्स परसेंट दिया गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा गया है आपसे नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है आपको नाइन परसेंट कन्वर्टेड मंथली के लिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट करस्पॉन्डिंग टू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़ सिक्स परसेंट तो इसमें आपको डिस्काउंट रेट बताना है करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिक्स परसेंट दिया गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनविटी एनविटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपसे पूछा गया है देन यूसेज ऑफ सिंकिंग फंड तो सिंकिंग फ़ंड के क्या यूसेज हैं क्या उसके उपयोग हैं ये आपसे पूछे गए हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ वैल्युएशन ऑफ सिक्योरिटी तो वैलुएशन ऑफ सिक्योरिटी का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया है देन यूनिट फर्स्ट पे आते हैं तो यूनिट फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन हो जाता है ये एक नोमरिकल दिया गया है आपको जिसमें सुरेश बोरोड रुपीज एट थर्टी फ्राम द विकास एट ट्वेल्व परसेंट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तो इसमें आपको ट्वेल्व परसेंट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट दे रखा है वैल्यू बताई गई है और कितने ईयस के लिए लिया गया है तो ये थ्री ईयर्स के लिए लिया, लिया गया है ही देन एडेड सम मोर मनी टू बी बोरोड सम ऑन टू दीपक फॉर द सेम टाइम एट फोरटीन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट आपको फोर्टीन परसेंट दिया गया है इफ़ सुरेस गेन रुपीज नाइन नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन्टी परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन फाइंड द समलेट बाई हिम टू दीपक तो इसमें आपको समलेट वैल्यू बतानी है जो जो है उसने दीपक से ली है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड तो इसमें मिस्टर एक्स जो है एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ट्वेंटी थाउजेंड का वन ऑफ द टू बैंक्स दैट फेस द रिटर्न आफ्टर सिक्स इयर्स बैंक ए ऑफर्स एट परसेंट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनअली एंड बैंक बी ऑफर्स सेवन पॉइंट एट परसेंट कंपाउंडेड सेमी एनुअली ड बी चूजेन सो दैट मिस्टर एक्स विल गेट मैक्सिमम रिटर्न तो इसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न पूछा गया है मिसटर एक्स के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ये यूनिट सेकेंड में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं इफ़ द प्रजेंट वैल्यू ऑफ थ्री थाउजेंड ड्यू इन टू ईयर्स एट द सर्टेन इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट इज 2707 फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट तो इसमें आपको रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा गया है देन इसी में आपको सेकंड पार्ट मिल जाता है फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली विच इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 9% परसेंट कन्वर्टेबल क्वार्टरली देन फिफ्थ क्वेश्चन इसमें मिल जाता है सेकंड क्वेश्चन जो आपको चॉइस में दिया गया है इसके भी दो पार्ट्स हैं तो इसमें पार्ट हो जाता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ रुपीज़ सेवन थाउजेंड ड्यू इन इन एन ईयर एट अ रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ सेवन परसेंट कन्वर्टेबल कंटिन्यूसली इन रुपीज़ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी पॉइंट फोर सिक्स फाइंड एन तो आपको एन की वैल्यू बतानी है इसमें देन इसी में आपको सेकेंड पार्ट मिलता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू आर रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ एट परसेंट तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फाइन करना है देन यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है नमेकल से अ लोन ऑफ रुपीज फोर्टी थाउजेंड इज़ टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट ऑफ एट परसेंट पर एनम कंपाउंडेड हाफरली इन द एकअल इंस्टॉलमेंट पेबल एट द एंड ऑफ द एवरी सिक्स मंथ फॉर टेन ईयर्स वॉट इज़ द साइज ऑफ़ ई इंस्टॉलमेंट एंड वॉट अमाउंट विल बी पेड टू टोटल इंटरेस्ट फॉर दिस लोन तो इसमें आपको साइज ऑफ ईच पेमेंट बताना है और टोटल इंटरेस्ट फॉर हिज लोन के लिए वैल्यू बतानी है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज अमेट डिपॉजिट थ्री थाउजेंड एट द एंड ऑफ द ईच

फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है अ कंपनी हैज़ अ मशीन हुज लाइफ इज़ टेन ईयर्स तो एक मशीन है जिसकी लाइफ टेन ईयर्स हो जाती है इफ द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ़ टेन परसेंट इफेक्टिव तो इसमें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको टेन परसेंट दे रखा है हाउ मच मनी मस्ट बी सेट असाइड द एंड ऑफ द एवरी ईयर तो कितनी मनी जो है सेट होती है एक एवरी ईयर्स में स तो fund, fund old machine. Old machine करने के लिए तो मशीन है जिसकी कॉस्ट है एटी सिक्स थाउजेंड एट द एंड ऑफ द ट्वेल्थ ईयर टेंथ ईयर तो ये आपको न्यू मशीन की कॉस्ट दे रखी है देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको डेटा दे रखा है अ लोन ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड इज़ टू बी रिपेड बाय टेन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट तो टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का लोन है जो दिया जाता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट फाइव परसेंट पर एनम इफेक्टिव तो फाइव परसेंट पर एनम से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला तो इसमें आपको ये वैल्यूज बतानी है तो so, फर्स्ट आ जाती है कैपिटल कंटेंट इन सिक्स इंस्टॉलमेंट तो टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी थी इसमें से सिक्स इंस्टॉलमेंट पे आपको कैपिटल कंटेंट बताना है देन सेवेंथ इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट कंटेंट बताना है तो so, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था थैंक यू वेरी ये आपका प्रीवियस ईयर टूडे वी डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ 2019 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया पेपर कोड इज़ बी सी एच वन ज़ीरो थ्री इसके लिए थ्री आर्स का टाइम था और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो सेवेंटी मैक्सिमम मार्क्स थे और इसमें नोट्स में नोट में बताया गया है कि इसमें आपको टोटल फाइव क्वेश्चन अटैम्प करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए एंड फर्दर आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम करना होगा उसमें दो क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है अब क्वेश्चन नंबर वन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन में टेन क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में जो एक क्वेश्चन जो है आपका थ्री मार्क्स का होगा इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है थ्री फंक्शनस ऑफ यू एन सी टी ए डी ये बताना है आपको यू एन सी टी ए डी का थ्री फंक्शंस बताने हैं आपको देन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री सिपमेंट फिनंस प्री सिपमेंट फिनंस से आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछा गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस से इसकी नीड क्या है ये आपको बताना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द एडवाटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड की एडवांटेजेस क्या हैं इसके लाभ क्या हैं ये आपको बताने हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड तो टर्म्स ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है इसमें देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टि ऑफ एक्जिम बैंक तो इसमें आपको एक्जिम बैंक के मेन ऑब्जेक्टिवस बताने हैं दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट हाउस की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं इसके क्या लाभ हैं ये आपको समझाने हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड Then next last question is differentiate between resource factoring and non-resource factoring. So resource factoring and sorry recourse factoring and non-recourse factoring में difference आपसे पूछा गया है इसके बाद unit first की बात करेंगे तो unit first में आपको दो question दिए गए हैं जिसमें से एक question आपको attempt करना होगा में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड आपको बताना है देन सिमिलारिटीज और डिसिमिलैरिटीज आपको एक्सप्लेन करनी है इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वॉट डू यू हाउ डू द थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस एंड कम्परेटिव एडवांटेजेस डिफर फ्रॉम ईच अदर तो आपको डिफरेंस बताना है थ्योरी ऑफ एब्सल्यूट एडवांटेज में और थ्योरी ऑफ कम्परेटिव एडवांटेज में देन यूनिट सेकेंड की बात करेंगे तो यूनिट सेकेंड में भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी टू मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया देन सेकेंड क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें एक्सप्लेन रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड तो इसमें आपको रिसेंट ट्रेंड्स बताने हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के लिए तो इन दो क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है इसके बाद यूनिट थर्ड में आते हैं तो यूनिट थर्ड में भी आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें फ्री ट्रेड से फ्री ट्रेड क्या होता है ये बताइए उसके बाद गिव आर्गमेंट इन फेवर ऑफ फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ़ फ्री ट्रेड तो फ्री ट्रेड के फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट करना है देन इसके अगेंस्ट में भी आपको आर्ग्यूमेंट करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें चॉइस में मिल जाता है वॉट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ पोस्ट सपमेंट फिनांस तो पोस्ट सपमेंट फिनांस का आपको इसके मैथड्स बताने हैं तो इसके क्या क्या डिफरेंट मैथड्स होते हैं वो आपको एक्सप्लन करने हैं देन लास्ट यूनिट पे आते हैं यूनिट फोर्थ है जो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसमें आपको पूछा गया है कॉजेज ऑफ डिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो क्या क्या कॉजेज हैं डिसक्लिबेरियम अराइज होने के बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो आपको बताने हैं देन इसी में आपको एक्सप्लेन करना है मैथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसक्लिबेरियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इस जो है डिसक्लिबेरियम को कैसे करेक्ट किया जा सकता है इसके आपको मैथड्स बताने हैं देन नाइन्थ क्वेश्चन इसमें आ जाता है जो आपको चॉइस में मिला हुआ है डब्लू से तो डब्लू के क्या ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्ड हुए हैं ये आपको बताने हैं इसके बाद डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन गैट एंड डब्लू तो गैट और डब्लू में क्या डिफरेंस था ये आपको बताना है तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के लिए जो आपका थर्ड पेपर है 2019 का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का इसके लिए पेपर कोड है बी सी एच वन ज़ीरो फोर आपको टाइम मिलता है इसमें थ्री आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स इसमें सेवेंटी रहते हैं तो इसमें आपको फाइव क्वेश्चन अटैम्प करने होते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी रहता है और हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा तो क्वेश्चन नंबर वन में देख लेते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको टेन क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा पहला क्वेश्चन इसमें हो जाता है वाई एंड इंडिफरेंस कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजन तो एक इनडिफ्रेंस कर जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजन क्यों होता है इसके पीछे का आपको रीज़न बताना है देन सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सर प्लस तो कंज्यूमर सर प्लस का कॉन्सेप्ट आपको बताना है देन थर्ड क्वेश्चन इज वॉट इज नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट तो नाइट्स की थ्योरी क्या है प्रॉफिट के बारे में वो आपको एक्सप्लेन करनी है देन डिफ्रेंशियट बिटवीन मूवमेंट अलॉन्ग एंड सेफ्ट इन डिमांड कर्व

क्या मेथड्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग बिटवीन इकोनॉमीज एंड डिसकनॉमीज ऑफ स्केल तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको अंतर बताना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आपको डायग्राम का यूज करके तब टी सी ए सी और एम सी के बीच में रिलेशनशिप बताना है देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताइए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में इसके बाद आते हैं यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें पहला पार्ट है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऑफ मार्सल एंड द वेल्थ इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ तो मार्सल के वेलफेयर इकोनॉमिक्स और एडम स्मिथ के वेल्थ इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछा गया है द नेक्स्ट क्वेश्चन सी में मिल जाता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्लुबेरियम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स तो टाइप्स ऑफ एक्लुबेरियम आपको बताने हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें चॉइस में मिलता है जो इसके भी दो पार्ट्स हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई टू गेन द ऑप्टीम सेटिस्फैक्शन इफ द प्राइस ऑफ द बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई इज एट पर यूनिट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल गिविन बिलो तो ये आपको शेड्यूल दे रखा है जिसमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बताई गई हैं और एम यू ऑफ कमोडिटी एक्स बताया गया है और एम यू ऑफ कमोडिटी वाई बताया गया है आपको जिसमें से आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन आ जाता है हाउ मच अ कंज्यूमर मस्ट स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स एंड वाई टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही पोज रुपीज सेवेंटी टू हाउ मच मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी ही इन्जॉय ये आपके दो क्वेश्चन थे जिनका जवाब आपको डेटा के बेसिस पे देना है देन इसी में आपको क्वेश्चन मिल जाता है वॉट आर द इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो आपको बताने हैं देन हाउ कैन कंज्यूमर अटेंबिरियम बाई यूटिलाइजिंग दीज लॉज तो कैसे कंज्यूमर अटेन कर सकता है क्ल्यूबेरियम को इन लॉज का यूज़ करके ये आपको एक्सप्लेन करना है देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट सेकेंड इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन को यह अटैम्प करना है आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो जाते हैं इसमें पहला पार्ट आ जाता है बजट लाइन से बजट लाइन क्या होता है ये बताइए इसके बाद

प्राइज कंजप्शन कर्व एंड इनकम कंजन कर तो एक्सप्लेन करना है इसी के साथ में आपको प्राइज कंजन कर्व और इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं तो पहला पार्ट डील करेगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से और इसी में आपको डिस्कस करने हैं मेजरिंग मैथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रूविंग दैट प्राइज इलास्टिसिटी इज ऑफ डिमांड इज नॉट सेम एज द स्लोप ऑफ डिमांड तो ये आपको प्रूव करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्लोप सेम नहीं होता है स्लोप ऑफ डिमांड के दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपको मिल जाता है द प्राइज ऑफ अ गुड अराइजेज फ्रॉम रुपीज फिफ्टी टू रुपीज सिक्सटी टू तो एक गुड है जिसका प्राइस राइज हो जाता है फिफ्टी से सिक्सटी टू पर के जी पे एज अ रिजल्ट

एक्लुबेरियम कंडीशन ऑफ अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो क्या जो है एक्लुबेम और फीचर्स कंडीशन होती है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हाउ डज अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अचीव एक्लुबेरियम इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन तो कैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में एक्लुबेरियम की कंडीशन को फॉर्म फुलफिल करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ये आपको बताना है and show the excesses capacity of the firm then next question aapko jo choice mein milta hai usme do part ho jate hain to first part mein aapko distinguish karna hai between law of variable proportion mein aur law of return to scale mein तो आपको difference बताना है इन दोनों लॉज में देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अटैच हो जाता है जो आपसे numerical question पूछा गया है इसमें आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ए आर और एम आर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जिसके लिए आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है देन यूनिट फोर्थ पे आते हैं तो इसमें भी आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं पहला क्वेश्चन आ जाता है रेंट इज द पोर्शन ऑफ द प्रोसीज़ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंड लॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रीटेबल पावर्स ऑफ द Soul, of the soil. Comment and discuss how modern theory of rent differ from the Ricardian the theory of rent. तो इस जो statement आपको दे रखा है इस pe आपको कमेंट करना है देन आपको डिस्कशन करना है मॉडर्न थ्योरी कैसे डिफर हो जाती है कार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आपको यूनिट फोर्थ में चॉइस में मिल जाता है वो है एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रफ्रेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है इसी के साथ साथ आपको बताना है इज़ दिस थ्योरी सुपीरियर टू द लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट तो क्या यह थ्योरी लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ़ इंटरेस्ट से ज़्यादा सुपेरियर है इसका आंसर आपको देना है

तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको फाइव क्वेश्चन अटैम्प करने होते थे जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी था और उसके बाद हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प करना होता था तो फर्स्ट क्वेश्चन में टेन क्वेश्चंस होंगे टेन क्वेश्चंस आपके शॉर्ट होंगे इसमें से एक क्वेश्चन जो है थ्री मार्क्स का होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के बारे में आपको बताना है इससे क्या आप समझते हैं ये आपको लिखना है देन सेकेंड क्वेश्चन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है ये आपको बताना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में आपको बताना है एथिक्स क्या होते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉरकास्टिंग बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है ये आपको बताना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है लाइन एंड स्टाफ सिस्टम से और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है प्रोसेस क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है देन लास्ट क्वेश्चन इज़ प्रोग्राम एवेल एंड रिव्यू टेक्निक से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है के बाद यूनिट फर्स्ट में बात कर लेते हैं तो यूनिट फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प करना होता है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलता है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं ये बताइए देन डिस्कस हाउ मैनेजमेंट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे मैनेजमेंट साइंस के साथ साथ आर्ट भी है देन इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में मिल जाता है हॉथोन एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है और इट्स रिजल्ट इन डिटेल इसका क्या रिजल्ट रहा है वो आपसे डिटेल में पूछा गया है देन नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं यूनिट सेकेंड आपकी है ये इसमें क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग से कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग बताइए देन इम्पॉर्टेंस बतानी है आपको प्लानिंग की मॉडर्न बिजनेस में तो मॉडर्न बिजनेस में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको बताना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाता है डिफाइन द डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिटेल तो आपको डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हैं ये समझाना है पहले देन आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन द एसेंशियल स्टेप्स इन डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस तो क्या एसेंशियल स्टेप्स होते हैं डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में ये आपको समझाना है इसके बाद यूनिट थर्ड में चलते हैं तो यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपार्टमेंटेशन डिपार्टमेंटेशन से आप क्या समझते हैं और आपको इसमें डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चॉइस में आपको मिलता है डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई इन इंडिया तो मेन सोर्स क्या है इंडिया में मैन पावर सप्लाई के लिए इसको आपको बताना है देन यूनिट फोर्थ में बात कर लेते हैं तो यूनिट फोर्थ में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन से देन डिस्कस वेरियस मैथड्स टू प्रोमोट मोटिवेशन क्या क्या वेरियस फैक्ट क्या क्या वेरियस मैथड्स होते हैं प्रमोट करने के लिए मोटिवेशन को ये आपको बताना है द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है इनमरेट एसेंशियल स्टेप्स इन इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल प्रोसीजर तो कंट्रोल प्रोसीजर को स्टैब्लिश करने के लिए कौन से एसेंशियल स्टेप्स होते हैं ये आपको समझाना है तो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है देन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फिनंस का क्वेश्चन पेपर है 2019 के लिए और इसमें पेपर कोड आपका हो जाता है बी सी एच वन ज़ीरो सिक्स का इसके लिए थ्री आयर्स का टाइम दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स इसमें सेवेंटी थे देन नोट में आपको लिखा हुआ मिलता है कि आपको फाइव क्वेश्चन अटैम्प करने हैं जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी हो जाता है एंड हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प करना है कंपल्सरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेन क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन जो है थ्री मार्क्स का रहता है इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है लर्न रिफॉर्म मेजर्स का लैंड रिफॉर्म मेजर्स कौन कौन से हैं ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो का क्या मतलब है ये बताइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन से आपको क्या समझते हैं ये बताने हैं इसके बाद जी और इट्स करेंट रेट्स के बारे में आपको बताना है नीति आयोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कॉजस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इंडस्ट्रियल सिकनेस के कौन से कॉजेज हैं क्या कारण हैं ये आपको बताना है देन ऑब्जेक्टिवस ऑफ सी सी आई बताना है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में बताना है नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया तो नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में क्या नीड है ये आपको समझाना है बेनिफिट अप्रोच ऑफ टैक्सेशन तो यूनिट फ़र्स्ट में आ जाते हैं यूनिट फर्स्ट में आप तो आपको यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स विच डिटरमाइन डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी तो क्या पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट ऑफ़ स्टेजेस ऑफ एन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इन विच स्टेज डज़ इंडिया स्टैंड कौन से स्टैंड पे आज के टाइम पे इंडिया है यह आपको बताना है तो यूनिट फर्स्ट में ही आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें दो पार्ट हो जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन आ डेवलोपिंग इकनॉमी तो क्या क्या क्वालिटेटिव मेजर्स हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन आ डेवलपिंग इकनॉमी द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको चॉइस में मिल जाता है वॉट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाई गवर्नमेंट टू रिमूव पावर्टी पावर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ये आपको बताना है द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इकोमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन नाइनटीन नाइंटी वन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल पब्लिक पॉलिसी न्यू पब्लिक पॉलिसी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल जाता है वॉट रिमार्केबल चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एस एस आई स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज सेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट टू discuss डिस्कस द faces by दिस सेक्टर इन इंडिया इसके बाद यूनिट थर्ड पे आते हैं तो यूनिट थर्ड में भी दो क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटैम करना है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेजेस इन इज देअर एनी लिमिटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिस्कस तो कोई भी यहाँ पे अगर लिमिटेशन हो तो उसको भेज सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पब्लिक रेवेन्यू इन इंडिया तो पब्लिक रेवेन्यू को इंडिया में जनरेट करने के लिए क्या ज़रूरत थी देन यूनिट फोर्थ पे आते हैं तो यूनिट फोर्थ में पहला क्वेश्चन हो जाता है फिजिकल पॉलिसी से फिजिकल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वॉट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल पॉलिसी देन नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन मिल जाता है आपको इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेप्ट तो पब्लिक डेप्ट के कौन कौन से स्टेप्स हैं कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं उसके बाद आपको डेफिसिट फिनंसिंग से आंसर देना है तो थैंक यू अरे वन ये आपका क्वेश्चन पेपर था दो के लिए